हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय। आज हमारे पास एक स्टैंडर्ड आई है, इसमें सेल्फ नहीं होता है, खाली किक होती है। देखिए, ये किक मारने पर नीचे रह रही है, ऊपर नहीं आ रही है। इसका अंदर का एक किक का स्प्रिंग टूटा है, जो इस तरह से होता है स्प्रिंग। तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए हमें यह आरएच कवर खोलना होगा। आरएच कवर खोलने के लिए किक और ये फुटरेस खोलना ज़रूरी है। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। देख सकते हैं, हमने किक और ये फुटरेस को खाली लूज करना है। इधर से ये 17 नंबर का बोल्ट होता है, इधर इसको खाली लूज करना है, तो फिर ये सारे बोल्ट लूज कर लेने हैं। और नीचे एक ट्रे रखना है ताकि ऑयल नीचे ना गिरे। और ये अल्टरनेटर कॉइल के दो वायर और ये ब्रीदर पाइप खोलना है। मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये सारे बोल्ट लूज कर दिए हैं, सबको निकालना है इस साइड में। कवर को ऐसे खींच के निकालना होगा। निकल गया। अब किक का स्प्रिंग जो है ये फ्रंट स्प्रॉकेट के नीचे रहता है, इसलिए हमें ये फ्रंट स्प्रॉकेट भी खोलनी है। इसको खोलने के लिए इस बड़े नट को एक लॉक दिया हुआ होता है, इस लॉक को पीछे तरफ ठोक के इस नट को घुमा के निकालते हैं। चलिए मैं निकालता हूँ। मैंने स्प्रॉकेट खोल दिया है, अगला स्प्रॉकेट। अब सिंपली ये चार एलन की स्क्रूज को लूज करना है। इस कैप को बाहर खींचने से पहले ऑयल ट्रे को उसके नीचे कर लें, इसमें से थोड़ा सा ऑयल बाहर आता है, देख सकते हैं। देखते हैं, देख सकते हैं कि स्प्रिंग टूटा हुआ है। इसको सिंपली 10 नंबर का बोल्ट रहता है इधर, 10 नंबर की टी से इसको निकालना है। देखिए किस तरह से टूट चुका है ये। इसको साइड रखते थे, अब ये नया स्प्रिंग, इसको लगाने का तरीका देखिए दोस्तों। इसको
पहले इस काटे में पेचके की मदद से फंसा देना है इस तरह। बाद में इस स्प्रिंग को इधर मुड़ा के इसमें ये नट को फंसाना है। अगर आप ये पहली बार बस बिठा रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं बैठ गई अपनी जगह पर। अब इस कैप को लगाते हैं वापस। लगाने से पहले इस पर थोड़ी सी बॉन्ड लगानी चाहिए ताकि ऑयल लीकेज ना हो सके। इस पर थोड़ी सी अब बॉन्ड लगाते हैं। रॉयल एनफील्ड के दोस्तों जितने भी मॉडल है उसमें सेम स्प्रिंग है, चाहे वो कौन सा भी हो, पुराना CI वाला क्यों ना हो। तो इसे लगा दिया। बाद में ये 4 स्क्रू सिंपल सा है दोस्तों, कोई फंडा नहीं है। अगर आप मिस्त्री हो तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। क्रॉस टाइट करने हैं दोस्तों, पहले ये फिर इसके क्रॉस वाला ये। हो गया अच्छी तरह से टाइट। फिर इसका स्प्रॉकेट आसानी से बैठ जाता है ये भी। फिर इसका एक लॉक होता है और उसके ऊपर ये उसका नट। ये बोला क्या नहीं का बुक पे इसको टाइट करके इसको पहले जैसा लॉक कर देती दिल चंबर की। हो चुका है अब। अब ये गैस के इसका टॉप आता है इसलिए नया लेके आए हैं। देख सकते हैं 58 रुपीज का उसको फिट कर लेते हैं दोस्तों। ये RH कवर बिटालने से पहले
हमें दो चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ये इसकी रबड़ गियर शाफ्ट की और ये काला ओरिंग, ये अपनी जगह पर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आरएच कवर निकाल देते हैं फिर ये नीचे गिर जाता है ऑयल में, उसको अपनी जगह पर बिठाना भूल जाते हैं, इसलिए ऑयल सर्कुलेशन बंद गिर जाता है, इसलिए टैप पेट की नॉइस आती है। तो आरएच कवर बिठाने से पहले इन दो चीज़ों का ध्यान दें। चलिए अब मैं ये पैकिंग बिठा के आरएच कवर फिट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। कभी अपनी जगह पर वापस आ रही है। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कुछ नॉलेजेबल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।